आज हम लोग जानेंगे जीआईएस के बारे में, यानी कि गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन के बारे में। अब एक गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन होता क्या है, हम लोग को पहले जानना है। तो हम लोग नॉर्मली जो सबस्टेशन अभी देख के आए हैं वो है एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन, एआईएस। लेकिन जीआईएस में क्या होता है, एआईएस में हम लोग जनरली दो चार्ज कंडक्टर या लाइन के बीच में जो इंसुलेशन है वो एयर रहता है। अभी जीआईएस में गैस रहता है, कौन सा गैस रहता है, SF6, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस। SF6 गैस हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि SF6 गैस का जो आर क्वांचिंग प्रॉपर्टी है वो एयर से बहुत बहुत ज़्यादा है, और ये नॉन इनफ्लेमेबल है, आग नहीं पकड़ता है, और क्या है, स्पेस बहुत कम लगता है, जो कि मेन फैक्टर है। क्योंकि आजकल सबस्टेशन बनाने के लिए जो जमीन है वो मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए स्पेस बहुत कम कर दिया है। तो इसीलिए हम लोग SF6 गैस को यूज करते हैं, इसको हम लोग गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन बोलते हैं। दोस्तों मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ एंड मैं 2-3 GIS सबस्टेशन में काम कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को इस पूरा वीडियो में मेरा खुद का कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पूरा वीडियो में बने रहे, थैंक यू। अभी हम लोग देखेंगे एक 400 GIS सबस्टेशन का रेटिंग देखेंगे। अब लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, 400 केवी का है, जैसे देख रहे हैं रेटेड वोल्टेज 420 केवी रहता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, रेटेड करंट ऑफ मेन बस बार 3150 एम्पियर रहता है इसका, और रेटेड करंट ऑफ ब्रांच बस बार जो है उसका भी 3150 एम्पियर रहता है। शॉर्ट सर्किट विथस्टैंड करंट 40 किलो एम्स 1 सेकेंड के लिए रहता है ये, लेकिन आरएमएस वैल्यू है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख सकते हैं। हम लोग जो देख पा रहे हैं, जो SF6 गैस रहता है उसका प्रेशर कितना रहता है, नॉर्मली सर्किट ब्रेकर है हम लोग जो गैस मतलब जितना प्रेशर देते हैं वो थोड़ा ज़्यादा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं इधर 0.6, राइट साइड में आप लोगों को डेंसिटी मीटर दिख रहा है, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ का डेंसिटी मीटर का एक पिक्चर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उधर देखिए 0.6 से थोड़ा ज़्यादा है, ये जो मीटर का मैं पिक्चर लिया वो एक सर्किट ब्रेकर का है। तो नॉर्मली 0.6 आप लोग देख पा रहे हैं, अगर अच्छे से देखेंगे 0.57 से 6 के ऊपर सब ग्रीन जोन में है, वो रेटेड प्रेशर है। 0.57 के जब 0.55 के नीचे आ जाएगा तब क्या आएगा, रिफिल बोल के कैलाम आएगा एलसीबी पैनल में, इसका मतलब है आपको गैस फिल अभी करना है, गैस कम हो चुका है। उसके बाद आपका 0.5 के नीचे आएगा तो ब्लॉक जोन में आ जाएगा, 0.48 के नीचे आएगा तो ट्रिप कर जाएगा ब्रेकर। उसी हिसाब से अदर चेम्बर का जो है 0.5 उसका रेटेड प्रेशर है एंड 0.45 उसका रिफिल कैलाम है, और जोन ट्रिप का है 0.43, मतलब उसमें अगर 0.43 के नीचे गैस आ जाएगा तो उसी जोन में जितना ब्रेकर है सब ट्रिप कर जाएगा। अब हम लोग इधर देख पा रहे हैं कि एबीबी का जीआईएस का मैं मॉड्यूल लिया हूँ, इधर आप लोग देख पा रहे हैं एक नंबर पे देखिए एलसीसी लिखा है। एलसीसी मतलब है लोकल कंट्रोल क्यूबिकल, एक पैनल है जो जीआईएस के सामने ही लगा रहता है, इससे हम लोग पूरा जीआईएस को ऑपरेशन कर सकते हैं। सर्किट ब्रेकर को ओपन क्लोज करना है, आइसोलेटर को ओपन क्लोज करना है, आर स्विच को ओपन क्लोज करना है, पूरा एलसीबी पैनल से कंट्रोल होता है। उसके बाद हम लोग आप लोग देख रहे हैं 2 नंबर पे बस बार DES, ठीक है, DES मतलब इधर डिसकनेक्टर स्विच को बोला रहे हैं, डिसकनेक्टर आर स्विच। CT देख रहे हैं, लाइन डिसकनेक्टर है। PT देख रहे हैं मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। अभी जो देख रहे हैं ये क्या है, ये मैं जहाँ जिस सबस्टेशन में अभी हूँ उसी सबस्टेशन का मैकेनिज्म है, एक जियान का है, जियान एक चाइनीज कंपनी है। इसमें आप लोग देख रहे हैं CB है, 400 के भी एक सबस्टेशन का CB मतलब सर्किट ब्रेकर है। उसके बगल में आप लोग देख रहे हैं CB का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, एक हाइड्रोलिक स्प्रिंग ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, और CB का दोनों साइड आप लोग CT देख पा रहे हैं। CT हम लोग इसको CTA CTB बोलते हैं, CTA में नॉर्मली
थ्री कोर रहता है, CTB में टू कोर रहता है। थ्री कोर मतलब दो प्रोटेक्शन का, एक मीटरिंग का, और CTB में दोनों ही प्रोटेक्शन का। उसके बाद हम लोग DS देख रहे हैं, डिस्कनेक्टर स्विच। तो ये जो पूरा GIS का जो ऑपरेशन है, उसको डिस्कनेक्टर स्विच को हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं। उसके ऊपर जो बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, वो उसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म बॉक्स है। उससे हम लोग मैनुअली भी ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर जो आप लोगों को अभी बताया LCP पैनल या LCC लोकल कंट्रोल क्यूबिकल पैनल, उससे हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अभी SF6 गैस के बारे में थोड़ा जानकारी दिया हूँ, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। SF6 गैस क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, मैं खुद SF6 गैस में बहुत काम कर चुका हूँ। GIS में SF6 गैस फिलिंग करना पड़ता है, फिर कभी कभी रिकवर करना पड़ता है गैस को। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, ये बहुत कॉस्टली गैस है, लगभग 800 से 900 रुपये पर किलो गैस का प्राइस है। एक सिलेंडर में लगभग 50 किलो का गैस रहता है, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितना प्राइस कॉस्टली गैस है। और SF6 अगर सपोज किसी चैम्बर से लीक कर रहा है, तो उसके लिए एक SF6 लीकेज टेस्टर रहता है, उससे हम लोग उसको चेक कर पाते हैं कि SF6 चैम्बर से लीक हो रहा है कि नहीं। अगर लीक हो रहा है तो बहुत प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो आप लोग इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं अभी। खुद का सबस्टेशन का इरेक्शन का एक दो फोटो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए एक बास डक्ट इरेक्शन हो रहा था, उस टाइम का फोटो है, हाइड्रा के थ्रू इरेक्शन हो रहा था। और राइट साइड में आप लोग को बूशिंग दे रहा है, दिख रहा है, 400 के भी बूशिंग है, SF6 एयर बूशिंग है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।